राजा राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी अब सिर्फ 7 दिन शेष है। ऐसे में लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, इसके लिए मुंबई में यज्ञ हवन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के वो कार्य सेवक शामिल होंगे जो 32 साल से कर रहे थे राम मंदिर निर्माण का इंतजार। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, इसकी खुशी को तो बयान ही नहीं कर सकते है कि कितनी खुशी है। और हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, पूरे देश में एक्चुअली देखा जाए, पूरे देश का, पूरे विश्व की बात करूं तो इतनी खुशी मनाई जा रही है कि जो जिस तरह से मना सकता है उस तरह से मना रहा है। अलग अलग तरीका लोगों का, कोई दिया जला के कर रहा है, कोई बाहर जला के हार लगा के कर रहा है, कोई गीत गाकर कर रहा है, कोई अपना नृत्य का, रामलीला का प्रोग्राम कर रहा है, हम लोग राम कथा का कार्यक्रम कर रहे हैं, आरती और यज्ञ का कार्यक्रम, जो जैसा मना, खुशी मनाने का कोई सीमित है ही नहीं। देखिए, 500 वर्षों का संघर्ष जो है, हमारी कई पीढ़ियों का संघर्ष जो सफल हुआ है, आज 22 तारीख को प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, जो कि आज की पीढ़ी देख पा रही है। इसके पहले की पीढ़ियां इसके संघर्ष में खप गई, तो हम इस लिए भी कर रहे हैं कि आगे वाली जो पीढ़ियां हैं और आज की पीढ़ी इसके बाद में मंदिर का विध्वंस ना देखे। और जो देश का नेतृत्व है, मोदी योगी जैसे नेताओं के पास ही रहे, तो यह धर्म की जो है ख्याति अपने आप उसके पीछे बढ़ती जाएगी, इस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। आज इस महायज्ञ में, आज इस महायज्ञ में कितने लोग शामिल हुए और किस तरह से लोगों को आपने इस महायज्ञ में खुद से आते हुए देखा, कितने लोगों की आगमन? देखिए, यह महायज्ञ जो है एक हिस्सा है पूरे राम कथा का। आज महायज्ञ का शुरुआत किया है और आगे चलकर 21 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकलेगी प्रभु राम का नाम से कलश लेकर, और 22 तारीख से प्रभु राम जी की कथा इसी प्रांगण पर 22 से लेकर 28 तक चलेगी, और 29 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होकर भंडारा का भी आयोजन किया गया है। तो यह एक तरह से उत्सव ही मनाया जाए, एक तरह से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह जो है दिवाली, इस अभी साल में 2 बार मनाई जाए, एक बार जब दिवाली आती है राम जी की, और एक बार यह जब राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। दिवाली भी तो उसी तरह मानी जाती है, जब प्रभु राम जी अयोध्या में आए वनवास के बाद में, 14 साल के वनवास के बाद में जब अयोध्या में प्रवेश किया, उस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो ये दिवाली जो है 22 जनवरी की दिवाली जो है प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होगी, उस उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाई जाएगी और हर साल मनाई जाएगी। हम लोग का यह भी निर्णय है कि हम हर साल 22 जनवरी को इस कथा का आयोजन करते रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है हम लोग के जरिए, प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लेकिन राम मंदिर के उपलक्ष्य में यह हमारा पहला कार्यक्रम है जिसमें कि कार सेवकों द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। क्या लगता है, आज पूरा देश भगवामय है और इसमें जहां विपक्ष, पूरा विश्व ही भगवामय है, पूरा देश के विपक्ष राम मंदिर जाने से इनकार कर रहे, इसे बीजेपी का एक इवेंट और एक एजेंडा बता रहे हैं वोट के लिए? देखो, प्रभु राम का आशीर्वाद पाने के लिए मन में भक्ति होना चाहिए, और वो भक्ति जिसने की है उसको ही प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखते हो कई लोग हैं जो प्रभु राम के विरोध में गए, वो खत्म हो गए, उनकी पीढ़ियों का आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, है ना? तो जो बोल रहे हैं कि इवेंट है, अरे इवेंट क्या है, प्रभु राम का, मैंने साहब को बताया प्रभु राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप जो है उसको इवेंट बता रहे हो, इवेंट कैसे हो सकता है? जो जैसे अपना उल्लास मनाना चाहता है उस तरह से मना रहा है, उसमें इवेंट की क्या बात आ गई?